सोहना विधानसभा में आने वाले रिठौच और बाकी की अगर हम बात करें तो वहां पर टावर नहीं लगने को लेकर बहुत सारी बातें कही जा रही हैं, यानी कि सोहना विधानसभा में आने वाले रिठौच और सहजावास के ग्रामीणों ने टावर कंपनी के गांव में टावर लगाने को लेकर विरोध किया है। ग्रामीणों का कहना है कि वो गांव में टावर नहीं लगवाने देंगे क्योंकि टावर लगने से कैंसर जैसी घातक बीमारियां पैदा होती हैं। एक रिपोर्ट आपको हम दिखाते हैं, देखिए। में और यहाँ पर जो प्रोटेस्ट शुरू हुआ है एक टावर को लेकर शुरू हुआ है, आपको दिखाना चाहोगे, आप देख सकते हैं, जो ये जनता देख सकते हैं, जनता खड़ी है, ये रोज गांव की है और लगातार विरोध कर रही है कि यहाँ पर हम टावर नहीं लगने देंगे। एक तरफ जो टावर के मालिक हैं ये कह रहे हैं कि हमने परमिशन लेकर टावर की जो कार्य शुरू किया है। बात कर लेते हैं टाउजी, टावर लगने से क्या दिक्कत है, क्यों इकट्ठा हुए हो? इकट्ठे नुकसानदायक है जी, हमें तो पूछ लिए जाने बाबू जी, नुकसानदायक न लगने से हमें रहे थे ये संबंधी पूरे गांव में। गांव की देखिए बिल्कुल टावर लगने से दिक्कत का सामना करना पड़ता है, काफी बीमारियां फैलती है इतना कहना है, और ये जो कंपनी है उन्होंने यहाँ पर कार्य शुरू किया है लेकिन बीच में उसको रोक दिया गया है, इसलिए क्या कहना चाहेंगे, पूरा गाँव इकट्ठा हुआ है ऐसा? ये टावर वाले काफी दिन से हमारे यहाँ चक्कर काट और काफी लोगों ने इसको अवॉइड कर दिया। अब ये कोई श्रीमान जी अपने वही है किराए वराए के चक्कर में ये कर दिया, लेकिन दोनों गांव इसके विरोध में है क्योंकि ये टावर से पहले हमारे गांव में टावर लगे हुए थे और उस टावर से कई आदमी है कि हमारे चाचा कटे हैं ये भी उसी से, इनके दो तीन भाई भी एक्सपायर हो चुके थे, पशुओं में काफ़ी नुकसान हुआ है। तो अब वो नुकसान देखते दोनों गांव विरोध कर रहे हैं और बहुत जमीन पड़ी है, पहाड़ में पड़ी, पंचायत की पड़ी, आबादी के बीच में टावर क्यों लगाया जा रहा है? जी बिल्कुल, बात ये है कि आबादी के बीच में टावर नहीं लगना चाहिए यहाँ पर, जो दूसरा पक्ष है उनसे बात करेंगे कि आखिर दूसरा पक्ष क्या कहता है, क्या पूरी परमिशन के साथ? आप देख सकते हैं कि इधर भी जो लोग खड़े हुए हैं, इधर भी हैं, महिलाएं भी हैं, फिर दोबारा फिर बात करेंगे, दोबारा फिर जाएंगे। टावर लगने से, टावर लगने से आंटी जी क्या हानि है, क्या दिक्कत है? क्या क्या दिक्कत? मेरे बच्चों के ऊपर गलत असर पड़ेगा, और बेकार ये, मतलब ये चीज अच्छी थोड़ी ना, अच्छी होती तो कोई विरोध ही नहीं करता। बेकार है जब पूरी परमिशन है पास, फिर भी विरोध क्यों? तो परमिशन है तो नुकसान तो हमें होगा, नुकसान जिसको होगा वही इसमें नीचे तो परमिशन लो, परमिशन तो तुम लेके आ सो, परमिशन देने वाले मरेंगे या गांव वाले मरेंगे, जो मरेंगे परमिशन उनसे लो ना तुम लोग पहले गांव से, और आने वाली जनरेशन ये बुढ़े लोग तो मर जाएंगे, परमिशन बच्चों के लिए हानिकारक है ना जी, आने वाली जनरेशन के लिए हानिकारक है। हां जी, अच्छा क्या कहना आपका कि आबादी के बीच में टावर लगाना सही है या गलत? बिल्कुल नहीं है, बिल्कुल गलत है, और इस पे एक बात और आती है, सिर्फ ये इंसानों को खतरनाक नहीं है, ये जानवरों के लिए भी है, यहाँ पे दूर दूर पक्षी नहीं दिखेंगे अगर टावर लग जाएगा क्योंकि मर जाएंगे। लेकिन ये देखना होगा क्या आगे कार्रवाई होती है, फिलहाल जो प्रोटेस्ट कर रहे लोग हैं उनसे भी हमने बात की है, और जो यहाँ के मालिक है जिन्होंने यहाँ पर टावर की शुरुआत की है उन्होंने अपनी परमिशन दिखाकर ये तय किया कि हम अपने टावर को लगवाएंगे, हम 10,000 महीना किराया मिलता है, ये देखना होगा आखिर इस टावर को रोका जाएगा या टावर बन के तैयार हो पाएगा। कैमरामैन गुप्ता के साथ मैं सूरज, जनता टीवी, सोना।